श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव 21 फरवरी के दिन पड़ने जा रही है फुलेरा दूज। श्री वृंदावन धाम में बहुत अधिक भव्यता के साथ इसे मनाया जाता है। साथ ही माँ पार्वती ने भी इस दिन जो है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और सबसे पहले उन्होंने ही धतूरा महादेव को चढ़ाया था। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के दो उपाय जो आप हल्दी इत्यादि के हैं आराम से कर लेंगे। यह उपाय मन चाहे प्रेम के लिए, पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए हैं। जीवन में धन संपदा की इन उपायों को करने से कमी नहीं होगी, तो एक बार करके देखिएगा। बहुत सरलतम उपाय है। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, वैवाहिक बाधा से आप जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल जरूर से इस उपाय को कीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरलतम पूजा विधि जान लीजिए। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का पूजन करने का विधान है। उन्हें गुलाल इत्यादि समर्पित करें, साथ ही फूलों से उनका श्रृंगार करने का प्रयास करें। कोशिश करें राधा रानी को आप कुछ श्रृंगार की वस्तु चढ़ा सके, अपने हाथ से श्रृंगार कर जो है उनका पूर्ण रूप से उनके आगे एक अखंड दीप लगाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सुफलों की इससे प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव माँ पार्वती का तो पूजन किया ही जाता है। कहा गुरु जी कहते हैं इस दिन माता पार्वती को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा हमेशा ही उसके जीवन में सभी कार्य स्वयं बनते चले जाएंगे। तो देर ना करते हुए पहला उपाय जान लीजिए। पहला उपाय है धतूरे और हल्दी का। गुरुजी कहते हैं माता पार्वती सबसे पहले इस उपाय को महादेव को प्राप्त करने के लिए कह करती है। तो आप सभी को यह उपाय कैसे करना है, आप सभी को चले जाना है शिव मंदिर, विधि विधान से महादेव माँ पार्वती का पूजन इत्यादि कर लेना है। विधि विधान से पूजन कर लेना है, जैसे आपको बन पड़े उस तरह से करना है। परंतु आप सभी को लेकर जाना है एक धतूरा। इस दिन जो है धतूरे की ही महादेव के, गुरुजी के बहुत सारे महादेव के उपाय हैं, तो आप सभी उन उपायों में से कोई एक कर सकते हैं, परंतु यह सर्वोत्तम और सरल उपाय है। आप सभी को मात्र एक धतूरा लेना है और धतूरे को हल्दी में डुबो लेना है। ठीक है, हल्दी में डुबो दिया धतूरे को और अपने मन की कामना जो आपके विवाह की पीड़ा है या विवाह में कहने का अर्थ है बंधन बना हुआ है, कहीं ना कहीं बात बनती है, रुक जाती है, मन चाह प्रेम चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। हल्दी में आप सभी को जो है धतूरे को डुबाकर माता अशोक सुंदरी का स्थान जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर अपने मन की बात कहते हुए समर्पित कर देना है। काफ़ी सरलतम उपाय है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से माँ पार्वती भगवान शिव के जैसी जोड़ी स्वयं बन जाती है। तो पहला उपाय यह है जो आप सभी को जरूर से करना है। इस उपाय से अखंड सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, जो भी जो सुहागिन महिलाएँ होती है अर्थात विवाहिता महिला भी करती है, तो जरूर से यह उपाय करिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं आप सभी पूरे दिन भर में सरलतम उपाय है, 5 बेलपत्री ले लीजिए, 1 धतूरा ले लीजिए। 5 ही आप सभी को समी पत्र लेनी है, ठीक है। 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 समी पत्र। अगर बेलपत्र ना मिल पाए तो दोबारा से काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को ये लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अपनी हथेली में यह सारी चीज़ें रख लेनी है, सारी की सारी चीज़ें हथेली में रखकर अपने मन की बात बोल देनी है। उन सभी चीज़ों में हथेली में रखने के बाद मन में यह बात बोलनी है कि जो भी कामना है आपकी, विवाह की, धन संपदा, नौकरी, कर्ज बढ़ रहा है, दुकान व्यापार नहीं चलती, यह सी चीज़ें अपने हाथ में रखते हुए आप सभी को शिवलिंग के ऊपर थोड़ी देर हाथ में रखना है, फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन धतूरा महादेव को चढ़ाता है, इन उपायों को करता है, सभी कार्य स्वयं ही बनते चले जाते हैं। तो आप सभी कोशिश जरूर से कीजिएगा। इसके साथ ही जरूर से श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप हो, राधा कृष्ण का स्वरूप, श्री हरि विष्णु का स्वरूप हो या कोई सा भी स्वरूप हो, एक दीपक जरूर से लगाइएगा शिव मंदिर में। कोशिश करें लगाने का। महादेव पर अबीर गुलाल भी समर्पित करते हैं, तो अति श्रेष्ठ उपाय इसे कहा जाएगा। तो काफी सरलतम उपाय है, जरूर से कीजिएगा, लाभ अवश्य होगा। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो जरूर से पूछ लीजिएगा, मैं सभी सवालों का जवाब देती हूँ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।